हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, एज क्रिटेरिया क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है 2024 की वैकेंसीज के लिए और 2019 की वैकेंसीज का जो ऑफिशियल सिलेबस था, इन दोनों में कंपैरिजन करके हम ये जाने की कि एज और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर बने रहें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है 2024 की वैकेंसीज का। तो सबसे पहले हम आते हैं 2019 की जो वैकेंसीज थी उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जो ये नोटिफिकेशन है ये 2019 में जो वैकेंसीज आउट हुई थी उसका है। इसमें जो सिलेबस मांगा गया था वो रहा था आपका 2 पेपर 100 मार्क्स के और 2 आवर की ड्यूरेशन यहाँ पर थी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, दो पेपर थे, दोनों पेपर जो थे वो 100 100 मार्क्स के थे, 2 2 घंटे की ड्यूरेशन थी दोनों पेपर की, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। पहले पेपर का जो में था वो इंग्लिश आई थी जो कि 40 मार्क्स की थी। दूसरे पेपर में पहले पेपर में इंग्लिश थी जो कि 40 मार्क्स की थी, जीके थी जो कि 40 मार्क्स की थी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था जो कि 20 मार्क्स का था। ये पहले पेपर का था। सेकेंड पेपर में जो था वो मैथमेटिक्स था, 10th से 10th लेवल तक का, 40 मार्क्स का, स्टेटिस्टिक्स जो कि मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है 30 मार्क्स की, और एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग जो थी वो 30 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई थी। ये सेकंड पेपर था और दोनों पेपर एक ही दिन में तो होंगे, कंडक्ट होंगे। और यहाँ पर जो था क्लर्क के लिए, यहाँ पर जो था वो क्लर्क के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मांगा गया था जो कि था 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का टाइम था और आपकी जो स्पीड थी वो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए थी और ये क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो था वो था 80 वर्ड पर मिनट, स्टेनोग्राफी टेस्ट था इंग्लिश में और ट्रांसक्रिप्शन जो था वो 20 वर्ड पर मिनट का रखा गया था, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का था। ये 2019 का सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं 2024 के, यानी कि अभी जो वैकेंसीज आउट होनी है उसके, यानी कि 2024 के सिलेबस के बारे में बात करें, तो 2024 का जो ऑफिशियल सिलेबस है, अगर 2024 के अभी जो वैकेंसीज आउट होंगी उसके अगर ऑफिशियल सिलेबस को अगर हम देखें, एक सेकंड दीजिएगा, तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है तो 2024 का भी वो भी बिल्कुल सेम है। 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 आवर की ड्यूरेशन होगी, 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर आएगा और सेकंड पेपर में मैथ, स्टैटिस्टिक्स और एप्टीट्यूड आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। और उसी तरह से फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए 10 मिनट का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो होगा वो 80 वर्ड पर मिनट है और ट्रांसक्रिप्शन जो है 20 वर्ड पर मिनट है, क्वालिफाइंग नेचर का है। सेम सिलेबस है 2019 और 2024 का। अगर यहाँ पर सिलेबस जो है वो सेम रखा गया है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2019 में जो एज क्राइटेरिया था और क्वालिफिकेशन थी वो भी इस बार सेम रह सकती है। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 2019 में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी क्लर्क पोस्ट के लिए वो बैचलर डिग्री मांगी गई थी फॉर द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एंड अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड मिनट इन अ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर मांगी गई थी। दो चीज़ें मांगी गई थी, एक है ग्रेजुएशन और दूसरा है आपका 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड। दूसरा, ICT स्किल सर्टिफिकेट यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट यानी कि CCC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। 80 आवर्स फॉर अ गवर्नमेंट, 80 आवर्स का, 80 घंटे का ये जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होना, या तो आपके पास जो है वो CCC का सर्टिफिकेट हो फॉर अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। 2019 का था, या फिर नाइलेट से, मतलब एक ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए था। उसी तरह से स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के लिए भी क्या मांगा गया था, बैचलर डिग्री मांगी गई थी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी एंड 20 वर्ड पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये मांगा गया था, नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड हैव क्वालिफाइड द टेस्ट इफ शी कमिटेड मोर देन 8% मिस्टेक। अगर 8% से ज्यादा मिस्टेक अगर आपने करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे। इसमें भी आपके पास ICT स्किल यानी कि CCC का सर्टिफिकेट मांगा है, मतलब कंप्यूटर का जो CCC का सर्टिफिकेट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, वो तो कंपलसरी है। CCC जो सर्टिफिकेट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट 80 घंटे वाला, वो कंपलसरी है। तो 2024 की वैकेंसीज में भी हो सकता है कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी सेम रखी जाए,
क्वालिफिकेशन जो है 2024 में वो भी क्लर्क जो है क्लर्क पोस्ट के लिए और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट के लिए दोनों के लिए आपका डिग्री यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है वो रखी जा सकती है, ठीक है ना। डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी जा सकती है और वही जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो वैकेंसीज आउट हुई थी उसका जो एज क्राइटेरिया था वो क्या था, तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया जो रखा गया था वो अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया था 18 से 37 साल, और कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के लिए 18 से 42 साल था, 42 ईयर्स, और OBC के लिए 18 से 40 ईयर था। तो ये एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था, तो इसी के बेस पर हम बोल सकते हैं कि अब की बार अगर सिलेबस सेम है तो क्वालिफिकेशन भी सेम हो सकती है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ जो है डिफरेंस नहीं रखा गया है। तो इसी पे बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्लर्क पोस्ट के लिए जो है वो OBC क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों के लिए, जो आपकी जर्नल है जर्नल के लिए 18 से 37 हो सकता है, और आपका जो SC ST है वो 18 से 42 साल तक हो सकता है, और OBC जो है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 ईयर तक हो सकता है। तो ये एज क्राइटेरिया इस बार रह सकता है, तो जो भी कैंडिडेट इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है वो तैयारी करने में स्टार्ट, या फिर जिनकी जिनके पास डिग्री होगी एग्जाम से पहले पहले वो भी इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस पूरे एग्जाम की इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की यार मोर अपडेट्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।